नमस्कार, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। मैथ की क्लास में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, और नया टॉपिक है आपके लिए वो, और आप उस टॉपिक को पहचानते भी हो, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो टॉपिक को आज शुरू करेंगे आपका, ये इस टॉपिक से आपके जो है क्वेश्चन आपकी रीजनिंग में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और आपके मैथ में, तीनों में आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उनका थोड़ा सा जो आपका स्टाइल है उसको चेंज करके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो है इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए आगे बनाती रहूँ, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। तो शुरू करते हैं आपका परसेंटेज जो है आज आपका टॉपिक है। परसेंटेज में क्या होता है आपके पास कि इसका जो सिंबल हम यूज़ करते हैं, आपका सिंबल अगर प्रतिशत के सिंबल की बात करें तो आपका सिंबल ये होता है, परसेंटेज का सिंबल ये होता है, और नंबर को आप 100 से इसको डिनोट करते हो। आपका जो परसेंटेज होता है ये उसका सिंबल है, और इससे आप 100 से उसको डिनोट करते हो, दिखाते हो आपकी ये 100 से आपका गुणा होगा या अमाउंट वहाँ पर आप 100 लेते हो। तो यहाँ पर आपके पास है कि प्रतिशत किसी साधारण भिन्न ऑर्डिनरी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए दिए गए भिन्न को 100 से गुणा करके प्राप्त अमाउंट में प्रतिशत का साइन लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इसने पूछा है कि जो आपका हाफ है उसको प्रतिशत में आप लिखिए, जो आपका 1 ये है 1/2, इसको आप प्रतिशत में लिखिए। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालती हूँ तो मेरे पास निकलता है 50%। तो ऐसे आपके पास जो है परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपसे, जैसे कि जब आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को करते हो, यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कीजिए, इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक अमाउंट है 19/25 लिखा, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो आप कैसे करोगे इसको, मल्टीपल में आपको परसेंटेज के लिए आप 100 करोगे, 25/4 आपका 100 होता है एंड 19/4 आपका 76 होता है, तो 76% आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें जो है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है, तथा प्रतिशत का जो संकेत होता है परसेंटेज को हटा दिया जाता है। जब आपको क्या करना है, जब आपको परसेंटेज लिखकर पूछ लिया जाता है कि 25% को लिखिए, इसको आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर परसेंटेज की जगह आप क्या करोगे, 25/100 को क्या करोगे, आप 100 का यूज़ करते हैं, यहाँ पर 100 से इसको आप डिवाइड करते हो या 100 से आप परसेंटेज को डिनोट करते हो। तो यहाँ पर आपका कितना निकला, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में निकालती हूँ तो ये आपका निकला 1/4, यहाँ पर आपकी फ्रैक्शन निकली है। नेक्स्ट है आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन। प्रतिशत को डेसिमल फ्रैक्शन में बदलने के लिए प्रतिशत के संकेत को हटाकर प्रतिशत वाली संख्या को लिखकर दाहिनी ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया जाता है, जिसको आप पॉइंट कहते हो, पॉइंट जिसको आप कहते हो वो आपका लगा दिया जाता है। जैसे कि 50 जो आपका परसेंट लिखा है, 50% लिखा है, और अगर मैं आपका इसको दशमलव भिन्न में इसको लेके आना है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, 50/100, 0 से 0, 5 1 5, 5 2 10, और 5 इतना मेरे पास आया 1/2। तो जब मैं 2 से 1 को डिवाइड करूँगी 1, तो यहाँ पर आपका 2 से मैं 1 को डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर पॉइंट लगे, 0 लगेगी, फिर 0 मिली यहाँ पर, फिर 2 5 10, तो मेरे पास कितना निकल के आया, 0.5 जो है मेरे पास यहाँ पर लिख के आया। पॉइंट के बाद आप 5 के जो है पीछे जितने मर्जी जो है आप 0 लगा सकते हो। आगे है आपके पास दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया जाता है, साधारण भिन्न को 100 से गुणा करके प्राप्त राशि में प्रतिशत का साइन लगा दिया जाता है। अब जब आप क्या कर रहे हो, जब आपके पास पहले ही दशमलव जो है दिया हुआ है,
तब आप उसको कैसे करते हो, ज़ीरो पॉइंट आपका ये 3.5 लिखा है, 0.5 आपका 3.5 लिखा है। अगर मैं इसको आपका प्रतिशत में चेंज करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल में मैं क्या करती हूँ, 100 से इसको गुणा कर देती हूँ। तो अगर मैं इसको 100 से डायरेक्ट भी गुणा करती हूँ तब भी मेरे पास 35% निकल के आता है। अगर आपको परसेंटेज से मल्टीपल ऐसे नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपका पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं आप नीचे उतने ही ज़ीरो लगा लो, तो 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया और 35 आपके पास बच गया। तो ऐसे आप जो है दशमलव को हटाकर अपना जो है परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि एक्स का वाई परसेंट या एक्स मल्टीपल वाई अपॉन में 100। यहाँ पर पूछा है कि अगर मैं निकालूँ कि मेरे पास 500 है और मुझे उसका 20% निकालना है तो 20% क्या होगा उसका। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 500 मल्टीपल में का मतलब होता है आपका ऑफ, जिसको आप मल्टीपल बोलते हो। तो यहाँ पर आपका आ जाता है 20 और अपॉन में आपका आ जाता है 100। तो यहाँ 0 से 0 25 ज़ा 100 आपके पास क्या आया, 20% निकला आपके पास 500 का। तो ऐसे जो है आप इनको निकालते हो चीज़ों को। जैसे लिखा है कि 25 जो है आपके पास वो 50 का कितने प्रतिशत है, तो जो किसका कितने प्रतिशत है आपके पास, तो यहाँ पर आ जाता है आपके पास 25 किसका पूछा है, 25 पूछा है 50 का। तो यहाँ पर आप करोगे 2 और यहाँ पर 50, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 50% ये आपके पास निकल कर आया। तो ऐसे आप इन चीज़ों को निकाल सकते हो, या आप इसको ऐसे करोगे कि 50 का 25% ये आपका, तो आपने क्या किया इसको 5 2 10। तो यहाँ पर आपने क्या, ये इसको आप ऐसे ऐसे आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसको क्या करना है कि जिसका आपके पास पूछा है उसका ही आपने यहाँ पर करना है। इसलिए आपके पास दो अलग अलग ये है एग्जांपल लिए गए हैं। नेक्स्ट है फिर आपके पास लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, जिसको क्या कहा जाता है आपका सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को कहा जाता है आपका कॉस्ट प्राइस, से अधिक हो तो उनके अंतर से प्राप्त धनराशि को लाभ कहा जाता है। सीधे शब्दों में अगर बात को कहा जाए तो जब आपने आप एक 10 रुपये का पेन लेकर आए और आपने उस पेन को 15 रुपये में बेच दिया, तो आपने उसको परचेज़ किया 10 रुपये में और आपने उसको सेल कर दिया 15 रुपये में। इट मीन्स आपका जो आपको जो लाभ हुआ वो 5 रुपये का आपका प्रॉफिट निकल कर आया यहाँ पर, कितने रुपये का, 5 रुपये का। तो यहाँ पर क्या आपको, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि आपका लाभ हुआ है। तो जब आप किसी चीज़ का लाभ निकालते हो तो लाभ आप कैसे निकालते हो, विक्रय मूल्य जो आपका सेल प्राइस है उसमें से आप अपने जो CP होता है आपका, क्रय मूल्य होता है आपका, उसको आप क्या करते हो, माइनस करते हो, तब आपका प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद आपके पास है कि जब आप किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो, अब आपने क्या किया, आप 15 रुपये का एक पेन लेकर आए और उसमें से आपने 10 रुपये का उसको बेच दिया, तो जो आपका CP है यहाँ पर वो आपका 15 रुपये है और जो आपका SP है यहाँ पर वो आपका 10 रुपये है। तो यहाँ पर आपका लॉस आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, आपका लॉस हुआ है। तो लॉस को कैसे लिखोगे आप, CP माइनस SP लिखोगे आप लॉस को। ये तो आप तब निकालोगे जब आपने यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं निकालने, सिंपल आपने निकालना है कितने रुपए का हुआ है यहाँ पर, जब आपने कोई परसेंटेज नहीं निकालनी है। उसके बाद है आपके पास, ये है आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला, जब आप प्रॉफिट की कंडीशन में निकालोगे तो आप SP माइनस CP करोगे वहाँ पर, SP माइनस CP, SP आपका सेल प्राइस और CP आपका कॉस्ट प्राइस। और लॉस कब, हानि कब शो करते हो आप, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और आपका सेल प्राइस कम हो वहाँ पर। और आगे बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालते हो। प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालते हो, मान लो आपने 20 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, 20 रुपये का पेन लगा लो, आपने 20 रुपये का पेन खरीदा है और आपने उसको 25 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले डिफरेंस निकालना है कि कितने का आपका डिफरेंस है, कितने का आपको प्रॉफिट हुआ है। 20 आपका CP है और 25 आपका SP है,
तो यहाँ पर आपने पहले देखना है कि आपका प्रॉफिट है या लॉस हुआ है। तो आपने किसी चीज़ को 20 रुपये में ख़रीदा और उसको 25 रुपये में बेच दिया, इट मीन्स आपका क्या है वो प्रॉफिट आ जाता है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपके पास, 5 रुपये का। तो CP कितने पर हुआ आपका, जितने पर प्रॉफिट हुआ है उसको क्या करना है आपने अपॉन में करना है, ये आपका 20 यहाँ पर आ जाता है। और मल्टीपल में आप क्या लगाओगे परसेंटेज के लिए 100, तो 25 आपका 100 हो जाता है, 5 5 5 25, इट मीन्स आपका 25% का वहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ऐसे आप प्रॉफिट परसेंटेज को निकालते हो। उसके बाद यहाँ दिया है लॉस परसेंटेज। अब लॉस परसेंटेज में आपने क्या करना है, सेम आपका CP रहेगा, सेम आपका मल्टीपल में 100 रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा आपका, यहाँ पर आप लॉस परसेंटेज निकाल रहे हो तो लॉस प्रॉफिट के जगह आपका लॉस वहाँ पर चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने किसी चीज़ को ख़रीदा यहाँ पर 25 रुपये में, ये आपका CP है, और आपने उसको बेच दिया 20 रुपये में, ये आपका SP है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है आपका। और कितने रुपए का लॉस हुआ है आपका, 5 रुपये का यहाँ पर आपका लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला भी आप ऐसे लगाते हो, लॉस अपॉन में CP और मल्टीपल में 100। तो लॉस कितने का हुआ आपका, 5 रुपीज़ का, और CP कितना है आपके पास, यहाँ आपने 25 रुपये में उसको ख़रीदा था, तो आपका 100 यहाँ जाएगा किसके लिए, परसेंटेज के लिए, 25 4 जा आपका 100, तो 5 4 जा 20। तो यहाँ पर आपका 20% का परसेंट का क्या निकला, यहाँ पर लॉस निकला आपका 20% का। अब यहाँ पर आपने देखा होगा सेम चीज़, आपने क्या देखा यहाँ कि जब हमने प्रॉफिट निकाला वो भी 5 का आया था, लॉस निकाला वो भी 5 का आया। तो क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट देखा कि उधर उस 25% का बन रहा था, तो वहाँ पर क्या किया उसका 25% ही आंसर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर आपने देखा है कि CP क्या लिया जा रहा है उसका, आप जब आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हो तब प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीपल 100 करते हो, जब आप प्रॉफिट परसेंटेज का लगाते हो, और जब आप लॉस परसेंटेज का लगाते हो तब आप लॉस अपॉन में CP मल्टीपल में 100। तो चेंज क्या हुआ आपके पास, लॉस और प्रॉफिट ये आपने चेंज किया, और ऐसे ही आप इनके अमाउंट को चेंज करते हो। नेक्स्ट है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपके पास, कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या महाजन से या बैंक से कुछ धन उधार लेता है तो यह उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। इसको आपका अगर आम भाषा में बात की जाए तो इसका आपको क्या कहा जाता है, मूलधन इसको कहा जाता है, मूलधन होता है आपके पास प्रिंसिपल, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसको आप कैसे डिनोट करते हो, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हो आप, प्रिंसिपल मल्टीपल में आपका रेट, मल्टीपल में आपके पास टाइम, और अपॉन में आ जाता है 100, ऐसे आप निकालते हो। तो यहाँ पर आपके पास जैसे यहाँ पर पूछा है आपके पास कि आपके पास है 500 रुपये, 500 रुपये का आपने 5% आपका क्या है वहाँ पर रेट है, और 2 साल के लिए आपने बैंक में रखा है, तो इसका आपने क्या निकालना है, साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट आपने निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए ये आपका P हो गया प्रिंसिपल, ये आपकी रेट हो गई, और ये आपका टाइम हो गया। तो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, P मल्टीपल R मल्टीपल T अपॉन में 100। तो P कितने आपके पास, 500, और रेट कितना है आपके पास, 5% का, और टाइम है आपके पास 2 का, और अपॉन में आपके पास 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया आपकी, 5 5 जा 25, और 25 2 जा 50, इट मीन्स क्या हुआ आपके पास, जो 50 रुपये निकल गया है वो आपका आया साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर आपको 500 रुपये पर आपको जो ब्याज मिला 2 साल का आपको मिला वो 50 रुपये, तो आपकी धनराशि कितनी होगी, 550 रुपये होगी आपकी विद इंटरेस्ट। जब ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तब उसे साधारण ब्याज कहते हैं, जब आपका एक ही रेट पर उसको लगाया जाता है। फिर है आपके पास यहाँ पर मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। जब आपने क्या किया, जो आपका प्रिंसिपल था उसमें मैंने ब्याज को प्लस कर दिया, तो वो जब उनका टोटल आया वो आपका क्या निकल कर आया, मिश्र धन, उसको कहा जाता है आपका कंपाउंड मनी। फिर है आपके पास यहाँ नेक्स्ट
साधारण ब्याज का जब आप ये अमाउंट निकाली आपने, तो कंपाउंड मनी आपकी मूलधन। उसके बाद क्या है आपके पास, परसेंटेज मीन, परसेंट मीन्स पर हंड्रेड और आउट ऑफ हंड्रेड। द सिंबल ऑफ परसेंट जो मैंने आपको बताया था कि आपका परसेंटेज ऐसे लिखा जाता है सिंबल, टू कन्वर्ट अ सर्टेन परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन द परसेंटेज न्यूमरल इज डिवाइड बाय हंड्रेड, टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल बाय हंड्रेड। ये था आपके पास प्रॉफिट का और सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। आगे कुछ मापन प्रणालियाँ जो मेज़रमेंट सिस्टम है वो दिया आपके पास कि यूनिट्स ऑफ जो मेज़र लेंथ है आपकी, आपकी यूनिट की मेज़र लेंथ कौन कौन सी होती है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेक्टामीटर, डेसीमीटर, सेमीटर एंड मिलीमीटर आदि जो है आपकी भौतिक इकाइयों द्वारा इनको मापा जाता है। और उनमें आपका रिलेशनशिप दिया है यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एंड देयर रिलेशनशिप। तो एक मीटर में आपका कितने मिलीमीटर होता है, तो जो आपका एक मीटर होता है उसमें आपके पास 1000 मिलीमीटर होता है, एक मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होता है, एक मीटर में आपके पास 10 डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है, और एक मीटर में आपके पास 1/10 जो है ये डेकामीटर होता है आपके पास, डेकामीटर। फिर 10 डेकामीटर में आपके पास एक हेक्टोमीटर होता है, 10 हेक्टोमीटर में क्या होता है आपके पास, जब आपके पास 10 हेक्टोमीटर बनते हैं तब वो आपका 1 किलोमीटर आपका बनता है। फिर 1 किलोमीटर आपके पास 1000 मीटर होते हैं, और 1 हेक्टोमीटर में आपके पास 100 मीटर होते हैं। फिर दिया आपके पास 1 इंच कितना होता है आपके पास, 2.54 सेंटीमीटर, ये लगभग होता है आपका। 1 फुट में आपके पास 0.348 मीटर होते हैं, 1 यार्ड होता है आपके पास 0.9144, ये आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास आती है यहाँ पर द्रव्यमान मापने की, जिसको यूनिट ऑफ मेज़र मास कहा जाता है। तो इसको आप कैसे नापते हो द्रव्यमान को, टन में, क्विंटल में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में आदि, इन भौतिक इकाइयों से आप इनको नापते हो। अब देखते हैं इनमें क्या रिलेशन है आपके पास। जो आपका 1 टन होता है, 1 टन में आपके पास 10 क्विंटल होता है, इट मीन्स 1000 किलोग्राम होते हैं आपके पास। जो 1000 किलोग्राम है उसमें आपका 10 क्विंटल और 1 टन आ जाता है। 1 क्विंटल में आपके पास 100 किलोग्राम होते हैं, और 1 किलोग्राम में आपके पास 10 हेक्टोग्राम होते हैं, और 10 हेक्टोग्राम भी और 1000 ग्राम होते हैं। फिर आपके पास है 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम, और 1 किलोग्राम में अगर सेंटीग्राम की बात की जाए आपके पास, तो यहाँ पर हो जाते हैं आपके पास 1 लाख हो जाते हैं सेंटीग्राम, और 1 किलोग्राम में अगर मिलीग्राम की बात की जाए तो आपके पास 10 लाख हो जाते हैं। 1 औंस आपका क्या होता है, 28.35 ग्राम का, और 1 पाउंड जो होता है आपका वो 454 ग्राम का आपका होता है। फिर आपकी समय मापने की इकाइयाँ, कि समय को आपका कैसे नापा जाता है। समय को मुख्यतः घंटा, मिनट तथा सेकंड आदि भौतिक इकाइयों द्वारा मापा जाता है। समय मापने की इकाइयाँ और उनमें क्या रिलेशन है आपके पास, जो एक सामान्य आपका वर्ष होता है उसमें आपके 365 डेज होते हैं, और जो आपका एक लीप का वर्ष होता है वो उसमें आपके 366 जो है वो दिन होते हैं। यह आपका 4th ईयर जो है, आफ्टर 4 ईयर आपका आता है लीप ईयर। फिर आपके पास है यहाँ पर कि 1 वर्ष में 12 महीने और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं आपके पास, और 1 घंटे में आपके पास 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में आपके पास होते हैं 60 सेकंड, और 1 सेकंड आपको होता है 1/60 मिनट, जिसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आज आपकी जो है बात की थी, कौन से टॉपिक की बात की आपकी, परसेंटेज की, जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट भी बताया और परसेंटेज के बारे में बताया कि जब आपने सिंपल प्रॉफिट को निकालना है तो सिंपल प्रॉफिट को आप कैसे निकालते हो, SP माइनस CP मीन सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और ये आपका प्रॉफिट निकल गया। और आप लॉस कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस माइनस आपका सेल प्राइस, क्योंकि लॉस कब होगा आपका, जब आप किसी चीज़ पर ज़्यादा लागत लगाओगे और आपको उससे बेनिफिट कम होगा तो वहाँ पर आपका लॉस होता है। और प्रॉफिट कब होगा, जब आपने थोड़ी लागत लगाई और उस पर आपको
ज़्यादा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट मिला है तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट होता है। सेम आप प्रॉफिट परसेंटेज में ऐसे क्या करोगे, उनका डिफरेंस निकाल के अपॉन में जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस लागत पर दोनों को निकाला जाता है, आपका प्रॉफिट को भी और लॉस को भी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।